टारगेट हमारा क्या है, 100 out of 100 आप कवर करें, ये हमारा टारगेट है। और ना केवल आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक क्लियर करें यानी कि क्वालिफाई करें, साथ ही आप यूपी के सबसे बेस्ट कॉलेज में जाएं, ये हमारा टारगेट रहेगा। जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी अंतिम 30 दिन जो कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 से बचे हुए हैं, इन अंतिम 30 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने सपने को, सरकारी पॉलिटेक्निक का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सके, आप अपने टारगेट लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस विषय पर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बैच हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर चल रहा है जिसका नाम है लक्ष्य बैच, ठीक है। एक बैच चल रहा है जिसका नाम है लक्ष्य बैच, जिसके लिए बच्चों को कोई पैसा, कोई फीस नहीं देना है, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे इस बैच के साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने अभी पढ़ा दी हैं। ये बैच ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी स्टार्ट हुए, 1 अप्रैल 2022 से ये बैच स्टार्ट हुआ है। और इसमें कुछ चीज़ें मैंने बच्चों को सिखा दी है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर चीज़ों को ट्रिक के साथ ही सिखाता हूँ, ठीक है। तो इन 30 दिनों में, अब लक्ष्य बैच में आपका कुछ चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, तो मैं जो आपके लिए यहाँ पर एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहा हूँ अगले 30 दिनों के लिए, उसके थ्रू आप भी अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तब भी आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्य बैच जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, इसमें कितनी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं और कितनी चीज़ें अभी बची हुई हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ अगर मैथ्स सब्जेक्ट की, ठीक है, तो मैथ्स में आपके जो टोटल यहाँ पर चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो 40 चैप्टर हैं, ठीक है, 40 चैप्टर्स आपके मैथ में हैं, ठीक है ना। तो 40 में से मैंने यहाँ पर 16 चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, ठीक है, 16 चैप्टर हमने जो है हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो बाकी के बचे यहाँ पे 24 चैप्टर, ठीक है। तो ये 24 चैप्टर जो आपके बचे हैं, ये आपकी किताब के अकॉर्डिंग जो 40 चैप्टर दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग बचे हुए हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 24 चैप्टर और रिड्यूस होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा यूनिट कई सारे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके आपको किताब में दिया होगा, ठीक है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप सिलेबस को चेक कर सकते हैं, सिलेबस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप सिलेबस देख सकते हैं कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। इसको मैं दोबारा से इस बार रीशेयर कर दूंगा ताकि आपको ईजिली ऊपर ही मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 40 चैप्टर में से मैंने 16 चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, बाकी के बचे अभी 24 चैप्टर यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 24 चैप्टर जो बचे हुए हैं, इनमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक यूनिट हैं बट अलग अलग चैप्टर्स में उनको डिवाइड किया गया है, लेकिन उनको हम मैराथन क्लास के थ्रू एक चैप्टर में ही, एक मैराथन क्लास में ही जो है कवर करेंगे, यानी उसको कंबाइंड करके एक यूनिट एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे आपके 3 चैप्टर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के आपके टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं जिनको हम एक यूनिट में जो है कन्वर्ट करके और एक मैराथन क्लास के थ्रू हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। वैसे ही जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के भी आपके 3 से 4 चैप्टर हैं, तो इनको भी एक मैराथन क्लास के थ्रू हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो वृत्त है यानी कि सर्कल है, उसके भी 2-3 चैप्टर्स हैं, उसको भी हम लोग एक ही मैराथन क्लास में कवर करेंगे। तो इस तरह से करके जो हमारा टोटल ये 24 चैप्टर बचा हुआ है, इसको हम रिड्यूस करके बना देंगे सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बुक के अकॉर्डिंग तो 24 चैप्टर बचे हुए हैं, लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 16 चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं, जो जिनकी 30 दिनों की स्ट्रेटजी यहाँ पे बन रही है, वो घबराएंगे नहीं, उनकी जीरो से ही स्टडी होगी, जीरो से हीरो तक ही उनको ले जाया जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ 16 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। तो देखिए, अगर आप आज से स्टडी स्टार्ट करते हैं यानी अगली नेक्स्ट लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करते हैं, तो ये तो आप अपने 24 चैप्टर और हम लोगों के अकॉर्डिंग 16 चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, इनको आप हम लोगों के साथ कवर कर ले जाएंगे, ठीक है, जो कि हमने कई सारे चैप्टर्स को एक यूनिट में कन्वर्ट करके एक मैराथन क्लास में उनको मैंने आपको करके बताया है, ठीक है। तो ये 16 चैप्टर्स जो हैं आपके, ये तो कवर हो ही जाएंगे। साथ में देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, तो एक ही प्लेलिस्ट में सारे लक्ष्य बैच की क्लासेज अब तक जो चली हुई हैं वो आपको जो है मिल जाएंगी, जिसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो पर डे आप एक लाइव क्लासेस के साथ साथ जो पिछली क्लासेज हो चुकी हैं उनमें से एक लाइव क्लास आप या रिकॉर्डेड क्लास कह सकते हैं जो प्लेलिस्ट में है, उसको अगर आप कवर करते हुए चलते हैं, तो अगले 16 दिन में ही ये आगे के 16 चैप्टर और पीछे के 16 चैप्टर्स को आप कवर कर लेंगे। इस हिसाब से आपका टोटल सिलेबस कवर हो जाएगा। या अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको मैथ्स में दूंगा रिवीजन क्लास, ठीक है। मैथ्स में रिवीजन क्लास में क्या होगा कि आपके आगे के 1 से 5 चैप्टर्स जो होंगे उनकी एक साथ आपको मैराथन क्लास मिल जाएंगी, ठीक है, जब ये आपके 16 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 16 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, तो यहाँ पे 1 से 5 तक के चैप्टर्स की एक साथ रिवीजन क्लास मिल जाएगी। इस रिवीजन क्लास में आप इकट्ठा इन 5 चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। ऐसे ही अगले फिर 5 से 10 चैप्टर तक का फिर से अगले दिन नेक्स्ट डे एक रिवीजन क्लास, और ऐसे ही फिर आपका 10 से लेकर के 11 से लेकर के 15 तक का जो टोटल चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन क्लास आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस मैथ्स को कवर कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही तरीकों से आपका पूरा क्लास यहाँ पे कवर होगा। आपकी जैसी इच्छा हो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया मैथ्स, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है, कि फिजिक्स में कितना बचा हुआ है और कितना स्टडी आपको करना है, ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं फिजिक्स की अगर, ठीक है, तो फिजिक्स में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुए, मैंने ज़्यादा अभी उसमें नहीं पढ़ाया है समय की कमी की वजह से, ठीक है। तो फिजिक्स में आपके टोटल अभी तक हुए हैं 5 चैप्टर्स, ठीक है, अभी तक हुए हैं टोटल 5 चैप्टर्स। टोटल कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पे? 24 चैप्टर आपके फिजिक्स में हैं, ठीक है। तो 24 चैप्टर्स हैं आपके टोटल फिजिक्स में, 5 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, तो बचे यहाँ पे कितने? 19 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं। लेकिन इसमें भी आपके 19 चैप्टर्स नहीं हैं, यहाँ पे आपका 3 यूनिट ऐसा है जो एक कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड है, जिनको हम एक यूनिट को एक मैराथन क्लास में कवर करेंगे। पहला है हीट, दूसरा है लाइट चैप्टर, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल तीसरा। तो देखो, हीट के जो यहाँ पे फिजिक्स में आपके चैप्टर दिए गए हैं, हीट के आपके 4 चैप्टर हैं, ठीक है, इसको हम एक मैराथन क्लास में एक चैप्टर की तरह ही इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। लाइट में आपके टोटल दिए गए हैं 5 चैप्टर, ठीक है, इसको एक मैराथन क्लास के थ्रू एक चैप्टर या एक क्लास में ही कवर करेंगे, एक चैप्टर की तरह ट्रीट हम लोग करेंगे, ठीक है। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टोटल है 6 चैप्टर, इनको भी हम एक ही चैप्टर की तरह ट्रीट करेंगे, एक ही मैराथन क्लास में कवर करेंगे। तो 3 मैराथन क्लास में 6, 5, 11 और 11, 4 आपका टोटल हो गया यहाँ पे 15 चैप्टर। तो 15 चैप्टर यहाँ से माइनस, बचे 4 चैप्टर, तो अगले 4 दिन में ये 4 चैप्टर बचे हुए आपके कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स को जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछली क्लासेस वही सेम चीज़ यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको पर्टिकुलर अलग से और सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी तक लक्ष्य बैच में क्लासेस चली हैं वो कंबाइंड क्लासेस चली हैं, यानी कि एक ही क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, तो उसका कंबाइंड वीडियो ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उस 1-1.5 घंटे की क्लास में आप मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कवर कर पाएंगे, अगर उसको देखते हैं तो। नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पे फिजिक्स में बाकी के 5 बचे हुए चैप्टर हैं उसको भी रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपके टोटल हैं 24 चैप्टर, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपके टोटल हैं 24 चैप्टर, और 24 चैप्टर में से हमने अभी तक करा दिए हैं 10 चैप्टर, ठीक है। तो 10 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं, बचा हुआ है आपका 14 चैप्टर,
ठीक है। तो 14 चैप्टर में यहाँ पे 14 चैप्टर पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन चलेगा। इसमें कोई भी जो है मैराथन क्लास यहाँ पे नहीं मिलेगी आपका। 14 दिन में ये पूरा कंप्लीट कवर होगा, ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सेक्शन। 10 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, तो अगले 14 दिन में आगे के 14 चैप्टर जो हैं उनको भी कवर करा दिया जाएगा। पिछले जो 10 चैप्टर हैं वो पिछली अगर प्लेलिस्ट से आप पढ़ते हैं तो वहाँ से कवर हो ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो भी ये रिवीजन क्लास जब होगी, मैराथन क्लास जब होगी, ठीक है, तो उसमें इन 10 चैप्टर्स को भी मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बच्चे 30 दिन अंतिम बचे हुए हैं और उनके मन में ये है कि बस कैसे भी नैया पार हो जाए और कुछ कुछ पढ़ लें और भगवान भरोसे वो हमारा जो है हिट कर जाए तो हम क्वालिफाई कर जाएं, अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट उनको पूरा कंप्लीट सिलेबस करके पढ़ के जाने का मौका मिल रहा है। कंप्लीट सिलेबस पढ़ के आप जा सकते हैं। जितने भी बच्चे पिछले लक्ष्य बैच से जुड़े हुए हैं और जो भी बच्चे आगे अभी से क्लासेस को जो है ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उन सभी बच्चों को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ लक्ष्य बैच 2.0 में, ठीक है। तो लक्ष्य बैच 2.0 का टारगेट है, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो तो अपने टारगेट को अचीव करें ही करें, साथ ही जो बच्चा अब से फॉर्म भरने के बाद उसके दिमाग में अब आया है या हमारी वीडियोस अब उन तक पहुंची हैं कि उनको भी जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक क्लियर करना है, वो हमारे लक्ष्य बैच 2.0 के साथ जुड़ करके और दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और जीरो से हीरो बन सकते हैं। जीरो से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपकी जो भी यहां से 20 से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, वहां से पहले जितने भी आपकी क्लासेज बची हुई हैं उन सब को जब एक बार कंप्लीट सिलेबस यानी कि हम 40 चैप्टर कवर कर लेते हैं, मैथ्स फिजिक्स में आपके 24 और केमिस्ट्री में 24 चैप्टर, तो दोबारा से हम लोग स्टार्टिंग से और जहां से आपने यानी कि लक्ष्य बैच 2.0 वालों ने स्टार्ट किया होगा वहां तक हम रिवीजन कराएंगे और कंप्लीट आपका यहां पे करवाएंगे, ठीक है। यहां पर इतनी सारी चीजें हम स्टार्टिंग के 25 दिन यानी कि 25 डेज में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 25 डेज में कवर कर लेंगे, आपका रिवीजन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपके 5 से 6 दिन बचेंगे, ठीक है, 5 से 6 दिन जो बचेंगे आपके, इसमें हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपका टोटल 2016 से लेकर के और 2021 तक के जो टोटल प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आपको बच्चों को मिला होगा उसका ओरिजिनल बच्चों के नाम रोल नंबर के साथ मैं आपको दिखा करके सॉल्व कराऊंगा। इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट रिपीट करके जो पॉलिटेक्निक है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ से यहाँ लेकर के जाने का काम मैं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में बैठने में और साथ ही उसको क्लियर करने में। टारगेट हमारा क्या है, 100 out of 100 आप कवर करें, ये हमारा टारगेट है। और ना केवल आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक क्लियर करें यानी कि क्वालिफाई करें, साथ ही आप यूपी के सबसे बेस्ट कॉलेज में जाएं, ये हमारा टारगेट रहेगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में, ठीक है। तो आप सभी के साथ ये शुभकामनाएं हमारी हैं कि आप सभी मेहनत करते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो आप लक्ष्य बैच 2.0 के साथ अपने कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हुए आप अपने सरकारी पॉलिटेक्निक के टारगेट को लक्ष्य बैच 2.0 के साथ जुड़ने के लिए आपको सिंपल कुछ काम करना होगा। सबसे पहला तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा काम क्या करना होगा, आपको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई भी लाइव क्लास जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसकी, ठीक है। तीसरा काम आपको करना है कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। PDF और नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे और अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है जो मैंने इस वीडियो में कवर ना किया हो तो वो हमारे आप WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट। 9076929784 मेरा WhatsApp नंबर है, आप उसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त।